बोल रहे हैं वन पे वन फ्री दिया इसलिए चल रहे अरे भाई अगर सड़े हुए टमाटे आप बेचो और बोलो एक किलो पे आधा किलो फ्री है कुत्ता लेगा क्या इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है वो गैप कम करो फिल्म अच्छे बना सकते हैं मैं बना लेता हूं इसे बट <laughs> उस अच्छी फिल्म को उसका जो ऑडियंस है उन तक अच्छे से पहुंचाना एक टास्क है पे इंडस्ट्री सोच रही थी अरे ऐसा कौन सा होता है थिएटर्स के, के दरवाजे खुले कर दिए ऑडियंस के लिए जहां पर लोग समझते थे कि सिर्फ बड़ा कैनवास चलेगा ग्रैंड फिल्म चलेगी वहां पे अच्छा कंटेंट भी थिएटर में चल सकता है आपने प्रूव कर दिया एंड सीरियसली इट्स बिग चेंज इन द इंडस्ट्री मतलब आज भी सारे चुप है किसी को पता नहीं हो क्या रहा है बोल रहे हैं वन पे वन फ्री दिया इसलिए चल अरे भाई अगर सड़े हुए टमाटे आप बेचो और बोलो एक किलो पे आधा किलो फ्री है कुत्ता लेगा क्या सीरियसली no, सीरियसली नहीं लेगा जब माल अच्छा हो तो फ्री नहीं भी दोगे तो भी लोग लेंगे है ना अच्छा पानी पीने के लिए लोग कुएं के पास आते हैं लेकिन पानी में गंद हो तो कौन पिएगा <laughs> तो हमने फिल्म अच्छी बनाई और जिस तरह से दिनू सर ने इस फिल्म के लिए दरवाजे ओपन किए जिस जिस दौर में हम लोग चल रहे थे जो थिएटर्स की हालत थी उस हालत को उन्होंने चेंज कर दिया एंड सीरियसली सर एक अच्छी फिल्म बनाना अलग बात है बट एज अ प्रोड्यूसर उस अच्छी फिल्म को उसका जो हकदार ऑडियंस है उनके तक पहुंचाना अलग बात है एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस नो द इंडस्ट्री सीरियसली सीरियसली एंड एंटायर मार्केटिंग टीम शारदा एवरी मतलब पंद्रह दिन डे नाइट आप लोगों ने जो काम किया है मुझे तो कोई पोस्ट भेजता था तो मैं इंस्टा पे डालता नहीं था इतना लेजी हूँ वो सोनाली पीछे पड़ती थी पोस्ट नहीं डाला पोस्ट नहीं डाला मैं डाल दूंगा लेकिन आप लोग का डे नाइट के जो एफर्ट्स है और सौम्या कपिल आप लोग जहाँ जहाँ जाके जा, जा, जा पूरी क्या 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 खा रहे थे भाई साहब कमाल मतलब सीरियसली सबका शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू सो मच मुझ, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है बट थैंक यू थैंक यू अच्छी बात क्या है ना जो जिनके लिए फिल्म बनाई थी जिस ऑडियंस के लिए वो फिल्म को सर के ऊपर उठा ले रहे हैं और कई लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत गंदे वर्ड्स में कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे इंग्लिश इंग्लिश भारी वर्ड्स में अपने दोस्तों को बोलता था तारीफ की है क्या बोलते गाली दी है तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को थोड़ा और बा से बाहर निकल गए ना करी रोड नाम का एक स्टेशन भी है।, है ना देवनार भी है मानखुर्द भी है चेंबूर भी है वहां जाके देखो यहाँ पे यही सिनेमा चलता है लोग रोज जीते हैं तो बिफोर राइटिंग सम बैड वर्ड्स अबाउट द फिल्म ट्राई एंड अंडरस्टैंड अपनी जरा हिंदुस्तान घूमो जो ऑडियंस है जो जनता है उनको समझो कि वो क्या देखना चाहते हैं क्योंकि अभी देखो क्या हो गया आप बोलते हो फिल्म को नहीं देखो वो ज्यादा देख रहे दैट मीन एज अ व्यूअर एज अ क्रिटिक्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू आर जस्ट पुटिंग योर ओन पर्स्पेक्टिव एंड ट्राइंग टू स्पॉइल दैट फिल्म दैट इज नॉट राइट रीजन वाई वी आर गोइंग थ्रू ऑल दिस बॉलीवुड क्योंकि जब साउथ की कोई फिल्म आती है छोटे बजट की फिल्म जिस हीरो को हम जानते भी नहीं वहां पर वो सुपर स्टार होता है हमारे लिए न्यू कमर होता है वाह फाइव स्टार फोर स्टार अच्छी फिल्म होती है भाई हम, हमको भी जरूरत है वी हैव टू गेट आर इंडस्ट्री राइट तो आई थिंक वी शुड मतलब हमें हमारी इंडस्ट्री को कभी कभी लगता है कि जो हालत है वो सिर्फ हमारी वजह से बिकॉज यहां पे कोई नहीं चाहता कि किसी और की फिल्म चले चले क्यों नहीं मतलब मैं देख रहा था सारे वीडियोस और वो चार चार लोगों के ग्रुप बैठ के यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे ये ये नहीं चलेगी ये दो लाख में पचास लाख में पैक है भाई क्यों इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है वो गैप कम करो मुझे लगता है काफी फायदेमंद होता सबके लिए थैंक यू